हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बबली किचन। आज हम ओरियो बिस्किट से मिल्क शेक बनाने जा रहे हैं। ये पीने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमने 10 ओरियो बिस्किट्स लिए हैं। ये छोटे वाले 2 पैकेट थे और हार्शे सिरप, चॉकलेट का हार्शे सिरप, और 1.5 गिलास हम दूध लेंगे। ये 2 गिलास बनाने के लिए है हमारे पास। और वनीला आइसक्रीम लेंगे, इससे हमारा जो शेक है वो बड़ा क्रीमी और इसका टेस्ट बहुत बढ़िया बन जाता है। आइसक्रीम डालने से बहुत क्रीमी बन जाता है, जो बच्चों को सबको बहुत पसंद आता है। और ये हमने 2 मग बड़े वाले, इसको हमने 15 मिनट फ्रीजर में रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से चिल्ड हो जाए। अब हम हार्शे सिरप लेंगे और इसके साइड पे, सारी साइड पे लगा देंगे। कोई भी आप डिज़ाइन, जो भी आपको पसंद हो या जैसा भी बन जाए, इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सभी डिज़ाइन अच्छे लगते हैं। ग्लास के साइड में लगा लें, इससे बच्चों को अट्रैक्ट करती है, वैसे भी थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है। ये हमने दोनों मग तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको अभी थोड़ी देर फ्रिज में ही रख लेंगे, फ्रीजर में। तब तक हमने ये 4-5 बिस्किट लिए हैं और इनको हमने टुकड़े कर लिए हैं, 4-4, 5-5 टुकड़े कर लिए हैं। और इसको एक जार में, मिक्सिंग जार में डाल के उसके अंदर हम 1.5 गिलास दूध डाल देंगे, 1/2 गिलास और डाल देंगे इसमें, क्योंकि 2 गिलास हमने बनाना है। अब हम इसमें 2 चम्मच आइसक्रीम के डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। और इसमें अभी हम बर्फ़ नहीं डाल रहे हैं, अगर ज़रूरत हुई तो बर्फ़ डालेंगे, क्योंकि हमारा दूध जो था वो बिल्कुल चिल्ड है और आइसक्रीम भी ठंडी है। तो अगर आपके बच्चे ज़्यादा ठंडा पीना पसंद करते हैं तो आप बर्फ़ डाल दें, हमने बर्फ़ नहीं डाली अभी। इसको 2-3 बार मिक्सी को हम चलाएँगे ताकि अच्छी तरह से बिस्किट्स, दूध और आइसक्रीम मिक्स हो जाए। रुक रुक के हमने 3 बार इसको चलाना है, 3-4 बार चला लें आप, ताकि बिस्किट्स अच्छी तरह घुल जाएं इसमें। इस तरह हम मग में इसको पोर कर देंगे, डाल देंगे शेक को। जो 4-5 बिस्किट्स हैं उनको हम क्रश कर लेंगे अच्छी तरह से। आप किसी थैली, पॉलीथीन के अंदर डाल के उसको बेलन से या किसी हार्ड चीज़ से आप उसको कूट लें और उसका एक पाउडर सा बना लें। और इस तरह से हमने इसके अंदर जो ऊपर झाग आ जाती है उसको भी इसमें डाल देंगे, उसमें बहुत क्रीमी जो उसका टेस्ट आता है और अच्छा लगती है। ऊपर से जितनी झाग है वो निकाल के मग में डाल देंगे। और जो हमने ओरियो बिस्किट्स के एक पाउडर बना के रखा था, उसको क्रश करके रखा था, वो थोड़ा सा ऊपर डाल देंगे गार्निश करने के लिए। और इसी तरह से हम दूसरा भी मग तैयार कर लेंगे, इस तरह से दूसरा मग भी तैयार कर लेंगे। और उसके अंदर भी उसी तरह से बिस्किट्स जो क्रश किए हुए थे, थोड़े से बिस्किट्स डाल देंगे। आप चाहें तो इसको इसी तरह से पी सकती हैं, लेकिन सब बच्चों को आइसक्रीम लगाई हुई ऊपर अट्रैक्ट करती है, तो इसलिए हम एक एक चम्मच इसमें और भर के आइसक्रीम डाल देंगे ऊपर से, ताकि बच्चे जो है खुशी खुशी से पीते हैं आइसक्रीम को, देख के उनको बड़ा अट्रैक्ट करता है शेक। इस तरह से एक भर के चम्मच इसमें भी डाल देंगे और दोनों में डाल देंगे, ताकि बच्चे जो हैं इसको फटाफट खुशी खुशी से पियेंगे। अब ये आइसक्रीम के ऊपर भी हम थोड़ा सा जो क्रश किए बिस्किट्स है उसको लगा देंगे थोड़े से। ये हमारा ओरियो बिस्किट्स विद आइसक्रीम शेक बनके तैयार हो गया, जो बच्चों को बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन क्लिक करना ना भूलें। राइट हैंड पे बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच सके। नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।